तो जी हम आ गए अंदर। तो ये देखिए, मैंने लिया है तकरीबन 1.5 गिलास पानी, और उसमें मैंने डाल दी है गुड़ की 2 डली। तो मैं सोच रही हूँ गुलगुले बनाऊँ मीठे मीठे, मौसम प्यारा है तो हमें भी कुछ प्यारा सा बना के खाना चाहिए। रैन सो रही है, आज बहुत सर्दी थी, रैन स्कूल से आई बेचारी सो गई, और उबैद कर रहा है स्टडी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख। तो जी मीठे गुलगुलों के लिए चाहिए सबसे पहले हमें खशखाश, ये मैंने ली है 3 चम्मच खशखाश, और इसे भिगो के मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी ताकि इसकी जो मिट्टी होती है वो नीचे ही बैठ जाए और ऊपर से हम सारी खशखाश उतार लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और जी ये देखिए, ये हमने ली इसमें आधा कप सूजी, सूजी को हम कर देंगे इसमें ऐड। और जी ये देखिए है आटा, ये हम ले लेंगे इसमें 2 कप। जी देखिए, ये मैंने ले लिया इसमें 2 कप आटा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो जी ये देखिए थोड़ा सा है बेकिंग सोडा, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और जी देखिए, ये है गुड़ वाला पानी जो हमने गुड़ को गर्म पानी में मेल्ट कर लिया है पकाकर। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। हमने इसका बना लेना थिक सा पेस्ट, और मुझे लग रहा है इसमें पानी आई थिंक सही पूरा है। हम इसको डाल के अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो जी देखिए, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, पानी थोड़ा ज़्यादा था, मैंने इसमें 1/2 कप जो आटा था ना वो मैंने और ऐड कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑली ऑयल। डालने से क्या होगा कि अंदर से जो गुलगुले हमारे बनेंगे वो बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से रहेंगे अंदर से, उसमें गिल्टियाँ सी नहीं बनेंगी। तो जी ये मैंने डाल दिया, इसको मैं कर देती हूँ सही से मिक्स। तो जी मैंने ऑयल को कर दिया इसमें अच्छे से मिक्स, मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट रख देंगे, और आपके पास ड्राई फ्रूट हो तो वो भी डाल सकते हैं आप इसमें। और ख़ास तौर पे एक होता है पिसा हुआ नारियल, वो भी इसमें बहुत अच्छा लगता है पिसा नारियल। तो और तिल डालने, पिसा नारियल डालने, ये चीज़ें इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे पास तिल रखे हैं, मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। और जी ये 3 से 4 इलायचियाँ इसके बीच निकाल के मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो जी ये मैं कर दी इसमें ऐड। और ये बना रहे हैं हम सर्दियों की सोगात बारिश में। तो इसमें ये है तिल मेरे पास, तो इसमें हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब भर के कर देंगे इसमें तिल ऐड, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं, ये भी सर्दी के लिए अच्छे होते हैं। तो इसको मैं कर दूंगी मिक्स। तो जी देखिए हमारा ऑयल हो गया है गर्म, और ये है पकोड़े, इसको मैं डालूंगी हाथ से। ये मीठे पकोड़ों का मिक्सचर है जो मैंने बनाया है, और इसको मैं डालूंगी हैंड से। अगर इसे स्पून से भी डालें सही है, लेकिन हैंड से मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये गोल गोल छोटे छोटे मज़े के लगते हैं। ये देखिए इस तरह हमने इसके बीच में हल्का सा डाला था ऑयल ताकि अंदर से भी रहे सॉफ्ट सॉफ्ट। सो टेस्टी। और उबैद आ गया है किचन में। तो जी देखिए, मैंने डाल दिए इसमें सारे पकोड़े। और पकोड़े में कब बनाती हूँ उबैद, उबैद आपको तो गाइस मम्मा सर्दियों में पकोड़े बनाती हैं, कभी मीठे तो कभी नहीं। नहीं सर्दियों में तो बनते हैं, कब बनते बारिश हैं? में, बारिश बारिश में, बारिश में जब होती है बारिश तो हमारे बनते हैं पकोड़े। और ये मैंने टिश्यू लगा के बास्केट में रख लिया है, जैसे ही हो जाएंगे रेडी मैं इसमें निकाल लूंगी। तो गाइस कभी मम्मा मीठे बनाते हैं, कभी नमकीन, और कभी तो सारे बनाते हैं, अभी सिर्फ मीठे बनाओ। आज मम्मा बना रही है मीठे, क्योंकि उबैद और की ट्यूटर जो है वो नहीं आ रही, तो मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए मैं जरा कम कम काम कर रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ा भी लूँ और थोड़े पकौड़े शकोड़े भी बन जाए। मम्मा ये क्या कहते हैं? इन्हें गुलगुले कहते हैं। अच्छा। तो जी हमने कर दी है इनकी साइड चेंज, और साइड चेंज करने के बाद हम तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। जितना हल्की आंच पे पकेगा तो ये उतना टेस्टी होगा, और अंदर से बहुत सॉफ्ट और कच्चा नहीं रहेगा, जैसे अंदर आटे की गोली सी रह जाती है ना वो नहीं रहेगी, बहुत सॉफ्ट बनेंगे अंदर से भी।
तो जी देखिए हमारे गुलगुले हो गए हैं रेडी, और मैं आपको इसको निकाल कर फिर चेक कराती हूँ। माशाल्लाह से इतनी अच्छी मीठी मीठी खुशबू आ रही है इसमें से, ये देखें आप करीब से। और हम इसको बहुत ज़्यादा करारे करेंगे, तो जिसको करारे पसंद है करारे खा लें, ये नॉर्मल होते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से, बहुत ज़्यादा करारे भी ना तो फिर अच्छे नहीं लगते। तो जी ये बन गए हैं हमारे मीठे लड्डू, जिन्हें हम गुलगुले भी कहते हैं। हम इसमें और ऐड करूँगी, फिर हम लोग इकट्ठे कर लेंगे काफ़ी सारे गुलगुले। जी एक हमने इसमें से निकाल लिया है चक्कर, अब हम इसमें दूसरा डालेंगे। आंच को कर देंगे थोड़ा सा स्लो, आंच हो रही है तेज़। तो जी ये देखिए हाथ से ले लीजिए, ले लो, उबैद को तो बहुत पसंद है, हुरैन को भी ये बहुत पसंद है। नमकीन पकोड़े फिर भी मना कर देते हैं कि मामा वो नहीं, मीठे वाले बना लें, वैसे ही मीठा बिल्कुल भी नहीं लाइक करते, लेकिन ये पकोड़े बड़े शौक से खाते हैं। तो जी देखिए मैंने इसमें एक और कढ़ाई डाल दी है, जैसे ये रेडी होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए हमारे मज़ेदार और इतने क्रिस्पी सॉफ्ट सॉफ्ट पकोड़े हमारे हो चुके हैं रेडी, और उबैद ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि लुक कितनी खूबसूरत आ रही है, तो बहुत ही मज़े के हैं। तो जी ये देखें अब हम ऑयल में और डालेंगे, ऑयल में पकौड़े और रेडी करेंगे, ये जाएंगे थोड़े कारखाने भी जाएंगे पकोड़े।